भी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाट वाले टिक्की की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट। तो आज हम बनाएंगे ये आलू की टिक्की, जिसे हम चाट में डाल के खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये है हमारी सामग्री आलू टिक्की की। तो इसके लिए मैंने लिया आलू, जिसे मैंने उबाल लिया है। यहाँ पर लिया है हरा धनिया कटा हुआ, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई मिर्च, और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के बराबर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। तो सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। तो अब हम मसाले डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च और कॉर्नफ्लोर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आलू टिक्की टूटती नहीं है और कुरकुरे भी होती है। आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब हम आलूओं के मिश्रण को टिक्की का शेप देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हथेली में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से गोल करेंगे, और फिर थोड़ा सा हाथ से दबाकर हम इसे चपटा कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं के मिश्रण को टिक्की का शेप दे दिया है। तो अभी हम सबसे पहले पैन गरम करेंगे। यहाँ पर मैं 2 पैन गरम कर रही हूँ, ताकि जल्दी से हमारी टिक्कियाँ बन जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। अभी पैन अच्छी तरह से गरम हो चुका है, तो अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे पैन को। सेकेंड वाले पैन में भी हम ठीक इसी तरह से ऑयल डाल के और इसे ग्रीस कर देंगे, और ऑयल को थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे। अभी ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम एक एक करके आलू की टिक्की को सेकने के लिए डालेंगे। इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और एक तरफ से जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसे दूसरी तरफ से पलट के सेकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को पलट लिया है, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो अभी जो ये टिक्कियाँ हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं, तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को प्लेट में निकाल लिया, और आप देख सकते हैं टिक्कियों का कलर कितना अच्छा है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो आप भी अभी इस तरह से आलू टिक्की बनाएं और चाट का मजा लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।